aldehydes and ketones. And in the previous class, we had seen the reduction reaction, Clemmensen's reduction, and Wolff-Kishner reduction reaction. Correct है? दोनों में important क्या है कि आपको aldehyde ketone जो carbonyl group है, that carbonyl group is getting reduced to CH2 group, है ना? Carbonyl group get reduced, इसका reduction हो जाता है into CH2 group. लेकिन reagent क्या क्या है वो याद रखने का है. Clemmensen's reduction reaction में आपको zinc amalgam and concentrated HCl ये यूज करना है. एंड दिस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग 4 नेसेंट हाइड्रोजन. ये अपने को याद रखने के लिए लिख लेंगे. जैसे जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखा हमने, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन का अप्लीकेशन आ जाता. और Wolff-Kishner रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि पहले हम जो अल्डिहाइड या कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कंपाउंड है, उसे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजीन से रिएक्ट करते हैं तो -1 वाटर मॉलिक्यूल H2O निकलता है और आपको मिलता है यहाँ पर हाइड्राजोन C डबल बॉन्ड O N NH2 हाइड्राजोन, वो अल्डिहाइड कीटोन करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन मिलेगा. करेक्ट है? और ये हाइड्राजोन को फिर KOH के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल. लास्ट टाइम ये दो रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी क्या हमारी, अल्डिहाइड और कीटोन में एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो गई थी. तो यहाँ पर ये अल्डिहाइड या कीटोन दो में से कोई एक एग्जांपल, हाइड्राजीन के साथ आपने रिएक्ट किया, हाइड्राजोन बन गया, हाइड्राजोन और इथाइलीन ग्लाइकॉल को के साथ में जब हीट करेंगे KOH, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अल्केन्स रहेगा. यहाँ भी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अल्केन्स ही रहेगा. ओके, सो दिस वाज द रिडक्शन रिएक्शन वी हैड. हाँ बोली. फॉन्ट साइज, हाँ अच्छा बोर्ड साइज छोटा हो रहा है. ओके हाँ ओके, और भी पार्ट ले सकते हैं हम. ओके बेटा चलिए ठीक है, अभी दिख रहा है सबको. तो ये तो रिवाइज कर दिया मैंने, है ना. नाउ वी विल स्विच ओवर टू द न्यू एस्पेक्ट एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना. तो नेक्स्ट एंड द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स is what we will consider here, electrophilic substitution reaction. Or electrophilic substitution, this is carried out in aromatic aldehydes and ketones. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू बी कैरिड आउट इन एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड हो गया, और ऐसा ही एरोमेटिक कीटोन ले लेते हैं. अभी हम एरोमेटिक कीटोन भी ले लेते हैं, तो ये डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ये कीटोनिक ग्रुप भी आ गया.
this aromatic aldehyde and aromatic ketone, they show electrophilic substitution reaction like, अब कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको याद होगा हमने फिनॉल्स में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, फिनॉल्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ऑल दैट वी हैड सीन एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ दिस एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी इजीली बिकॉज दे हैव द इफेक्ट ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। दिस कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन में कॉमन क्या है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, और कार्बोनिल ग्रुप इज व्हाट, सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, यहाँ ये कार्बन है ना, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ अल्डिहाइड कीटोन में, तो कार्बोनिल ग्रुप, दिस कार्बोनिल ग्रुप हैज वन टाइप ऑफ इफेक्ट एंड दैट इज व्हाट, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। जैसे हमने हेलोजन डेरिवेटिव में या फिनॉल में भी पढ़ा था कि फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो फिनॉल में OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। हेलोजन डेरिवेटिव में बेंजीन रिंग पे जो हेलोजन लगा था वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप जो एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन में है, ये है इट इज मेटा डायरेक्टिंग, इट इज मेटा डायरेक्टिंग, मीन्स व्हाट, कि जो मेटा पोजीशन है वो कंपैरेटिवली मोर एक्टिव हो जाती है अगर यहाँ पर अल्डिहाइड कीटोन लगा रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ बेंजाल्डिहाइड फिर से बना लिया, तो ये पोजीशन ऑर्थो है, ये पैरा है, और ये पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन। तो ये अल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, एंड इट इज रिंग डीएक्टिवेटिंग, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग, ING लगा देते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग। रिंग डीएक्टिवेटिंग के लिए कारण क्या होता है, एक तो पहला कारण है कि इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, स्टेबिलिटी इज मोर, तो लेस रिएक्टिविटी, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण स्टेबल रहता है, जहां बेंजीन रिंग आ गई वहां रेजोनेंस इफेक्ट आ गया, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता, स्टेबल हो गया यानी रिएक्टिविटी कम हो गई, स्टेबिलिटी ज्यादा रिएक्टिविटी कम, तो इसीलिए रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन लेस एक्टिव हो जाती है, और उसके कंपैरिजन में मेटा पोजीशन मोर एक्टिव होती है। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप करता क्या है, ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए लेस एक्टिव कर देता, तो फिर बचती कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन,
ये मेटापोजिशन कंपेरेटिवली मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कौन से रहते हैं? नाइट्रोनियम आयन, सल्फोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल. बेटा मैं लिखता हूं यहां फिर से, शायद आप लोगों को समझेगा नहीं वो. हम NO2 ना, नाइट्रेशन यानी NO2, इसमें ये NO2 प्लस वन हो जाता जिसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन. नाइट्रोनियम तो ये पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी जगह पे अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, है ना. पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट, करेक्ट है. ये नाइट्रोनियम नाइट्रेशन. सल्फोनियम आयन HSO3 प्लस वन, सल्फोनियम आयन. तो सल्फोनियम आयन, और वैसा ही है ब्रोमोनियम आयन. तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल. और जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेंगे तो उनको हाईली एक्टिव पोजीशन कौन सी मिलेगी? मेटा पोजीशन. तो जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा डिपिक्ट करता हूं, को भी निकाल देते हैं. ओके, सी हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर. हमने ये एरोमेटिक कंपाउंड लिया, अल्डिहाइड CHO. अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन लेके आते हैं अंडर प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये नाइट्रोनियम आयन कहां अटैक करता है? मेटा पोजीशन पे करेगा, आइदर ऑन दिस पोजीशन और ऑन दिस पोजीशन. व्हाई? बिकॉज ये कार्बोनियम, ये जो अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप था, इसने क्या किया? ऑर्थो और पैरा को लेस एक्टिव कर दिया. इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज रिंग डीएक्टिवेटिंग, है ना. और वो डीएक्टिवेट कौन सी पोजीशन को करता है? लेस रिएक्टिव किसको करता है? ऑर्थो पैरा को. तो फिर यहां पर मेटा अवेलेबल होती है उसके पास में, नाइट्रोनियम आयन के पास में, और नाइट्रोनियम आयन फिर इस पे अटैक करता है. और ये नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एम नाइट्रोबेंजल्डिहाइड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना. ये कंपाउंड क्या लिया बेटा हमने? बेंजाल्डिहाइड. और ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. यहाँ के हाइड्रोजन के जगह पे ये NO2 ग्रुप चला जाएगा. मैं रिएक्शन फिर से लिख के समझाऊंगा आपको, अभी हम फंडा समझ रहे हैं ना. फंडे में क्या क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काय में पॉसिबल है? एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन में. एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी बेंजाल्डिहाइड और बेंजोफिनोन या कीटोनिक ग्रुप वाला एसिटोफिनोन. इलेक्ट्रोफाइल यानी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट. और इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट कौन से होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट रहेंगे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल. और वो है नाइट्रोनियम आयन, सल्फोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, लाइक दैट. तो ये वाले ग्रुप जब एरोमेटिक अल्डिहाइड पे अटैक करते हैं तो देखा गया कि ये जो ग्रुप का अटैक है ये मेटा पोजीशन पे होता. लेकिन हमने इसके पहले यहां पर ये फिनॉल को जब रिएक्शन करे थे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक हो रहा था. हमने इसके पहले क्लोरोबेंजीन पे रिएक्शन देखे थे, ये सीएल था यहां पर क्लोरोबेंजीन, वहां भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक हो रहा था. लेकिन
इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक किए तो वो मेटा पे गया, तो क्यों गया, व्हाई इट अटैक एट मेटा पोजीशन, तो उसका रीजन क्या है कि एक तो वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट होने से ये ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अटैक करने नहीं देता, दूसरा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण माइनस आई इफेक्ट के कारण इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। प्लस ये अल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता। आप फिनॉल वाले चैप्टर में देखना, मैंने समझाया था कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कैसे इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते हैं। ओके, तो अभी मैं वो पूरे 5 रिंग बना के एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आई एम रिपीटिंग अगेन, ये NO2 ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, क्यों करेगा, अल्डिहाइड ने क्या किया, ऑर्थो पैरा पोजीशन को वहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने कम कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल कर लेता, क्योंकि ये जो, अब चलो यानी वो कैसा, एज ए टीचर हम बोलते जाते, यहाँ के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करता, पाई इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल कर लेता, तो ऑक्सीजन जब पाई इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो बेंजीन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती, तो बेंजीन क्या करता, रिंग में के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेता, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड आ जाता, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर गई तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, हो गया ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ऐसा ये वाले ऑर्थो पे भी होता और पैरा पे भी होता, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां बचती, मेटा पोजीशन पे, और जब ये NO2 ग्रुप आएगा ढूंढते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ है, NO2 पॉजिटिव चार्ज है, उसने अटैक किया बेंजल्डिहाइड पे, तो बेंजल्डिहाइड की ऑर्थो पे जाता तो रिपल्शन, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, किसके कारण, कार्बोनिल ग्रुप के कारण, पैरा पे जाता रिपल्शन, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता, किसके कारण, कार्बोनिल ग्रुप के कारण, अब उसके पास बचता है एक ही पोजीशन मेटा, और वहां जाके देखता, अरे यहां तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, चलो कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो NO2 ग्रुप यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे, इसीलिए हम जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन का पढ़ेंगे तो कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, मेटा पोजीशन पे, है ना। अब आप एक रिएक्शन लिख लेंगे, जो वो रिएक्शन को देखेंगे यहां पर, बस रिएक्शन भी वैसे ही है जो ऊपर लिखा है, थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे, सेम रिएक्शन, बेंजाल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O, अब इसको नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, तो नाइट्रिक एसिड को बेटा लिखते कैसा है, HONO2, HNO3 है, इसको लिखना है HONO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये H2SO4 क्या करता है, नाइट्रोनियम आयन बनाने में हेल्प करता है, तो NO2 आ गया, ये NO2 कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, और जब ये मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा तो हमें ये अल्डिहाइड ग्रुप तो वैसा ही रहेगा, देख रहे हैं आप, डबल बॉन्ड भी वैसे ही रहेंगे, NO2 ग्रुप कम्स एट मेटा पोजीशन प्लस H2O, दिस कंपाउंड इज एम नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, एम नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, आ गया न्यू
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लीजिए, वो मेटापोजिशन पे अटैक करेगा। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, सो हियर वी कंप्लीट ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्लीज टेक डाउन एंड राइट द कंप्लीट रिएक्शन विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। एंड आई होप आप सभी लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना? यू मस्ट हैव डाउनलोडेड द पीडीएफ फाइल। वो पीडीएफ फाइल में से नोट्स डाउनलोड करके ये सारे रिएक्शंस आप लिख के तैयार रखेंगे अपने नोट्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट, हियर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन पार्ट। केमिकल रिएक्शन पार्ट हो गया। नाउ यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट यू कैन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक और द नोट्स, है ना? तो वहां से आप अल्डिहाइड कीटोन के यूजेस पढ़ लेंगे। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा यूजेस यहाँ पर लिखा देता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर यूज्ड फॉर एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर के काम आते हैं या फ्रेग्रेंस के काम आते हैं। तो आपके नोट्स में ये कॉलम बना हुआ है ना? तो आप देखेंगे कि बेंजाल्डिहाइड जो है ये बिटर एलमंड फ्लेवर देता है। बेंजल्डिहाइड बिटर एलमंड फ्लेवर। तो आप जो आइसक्रीम खाते हैं उसमें एलमंड का जो है ना, बादाम पिस्ता वगैरह का जो आप खाते हैं, तो उसमें बादाम तो रहता ही रहता है अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम में, लेकिन उसमें ये बेंजल्डिहाइड भी सम अमाउंट में टू जनरेट मोर फ्लेवर ये बेंजल्डिहाइड डालते हैं। वैसा ही वेनिलीन, ये भी एक कीटोनिक ग्रुप है, वो वेनिला फ्लेवर में काम आता है, वेनिला आइसक्रीम में। तो यहाँ पर बहुत सारे आइसक्रीम के यूज होने वाले हैं, परफ्यूम के यूज होने वाले हैं। देन ब्यूट्रालडिहाइड इज प्रोवाइडिंग अगेन द बटर फ्लेवर, है ना? और बटर फ्लेवर क्या है, ये यूज्ड इन मार्गरीन। मार्गरीन इज अ वेजिटेरियन बटर जो प्लांट के ऑयल और फैट से बनता है, उसे मार्गरीन कहते हैं। और बाकी बटर में एनिमल फैट के चांसेस होते हैं। तो जो 100% वेजिटेरियन होते हैं या जो वीगन होते हैं, वो नॉर्मल बटर हम जो खाते हैं वो नहीं खाते, दे गो फॉर मार्गरीन। और उसमें ये ब्यूट्रालडिहाइड को ऐड करते हैं बटर फ्लेवर के लिए। एसीटोफिनोल प्रोवाइड पिस्ताचू फ्लेवर। हम पिस्ता आइसक्रीम खाते हैं, है ना, ग्रीन कलर वाला, तो उसमें ये एसीटोफिनोन, अभी आप बहुत सारे यहाँ पर सब ये पढ़ने वाले हैं, तो ब्यूट्रालडिहाइड बटर फ्लेवर देगा, एसीटोफिनोन पिस्ता का फ्लेवर देगा। ये है नेक्स्ट मस्कॉन, है ना? मस्कॉन, तो मस्कॉन क्या है, मस्क ओडर यूज्ड इन परफ्यूम्स, है ना? आप बहुत सारे परफ्यूम्स के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं अभी समर में, तो वो परफ्यूम्स में एक मस्क ओडर होता है। मस्क वो डियर का मस्क होता है ना, कस्तूरी मृग जो बोलते हैं, तो वो होता है मस्क। और वो मस्क परफ्यूम जो मिलता है मस्कोन से, एक केमिकल है उससे वो जनरेट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये जो परफ्यूम डिओडोरेंट है, दे आर ऑल कंटेनिंग केमिकल्स, एंड व्हेन दे आर कमिंग डायरेक्टली इन कांटेक्ट योर स्किन, दे क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन लॉन्ग रन। अभी तो कुछ दिनों में, थोड़े दिनों में अच्छा लगता है, बाद में स्किन में रैशेस आने लगते हैं और स्किन में बॉइल्स होने लगते हैं। स्किन जो है वो हार्ड हो
होने लग जाती है। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि हम ये टाइप के केमिकल यूज करते हैं। तो बेसिकली हमने ये परफ्यूम वगैरह तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की यंग जनरेशन है, वो तो खेलने भी जाते हैं तो, और जॉगिंग के लिए भी जाते हैं तो बीबी परफ्यूम लगा के जाते हैं। कहीं फंक्शन पार्टी में जाना है फिर तो परफ्यूम इज कंपलसरी, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ जॉग करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, तभी भी परफ्यूम लगाते हैं और उसके साइड इफेक्ट बाद में दिखाई देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वाला। फिर से एक बटर फ्लेवर आ गया। आप पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न बटर, मॉल में जाते हैं, सिनेमैक्स में, नागपुर में, कहीं भी जाते हैं, पीवीआर में, इतना बड़ा टब दे देता है बटर पॉपकॉर्न, और वो बटर का सही में फ्लेवर आता है उसमें, हमने भी खाया है, आप भी खाते हैं, लेकिन उसमें बटर कम होता है और ब्यूटेन 2,3-डायोन ज्यादा होता है ना? वो बटर फ्लेवर के लिए केमिकल का यूज करते हैं, है ना? नेक्स्ट है सिनेमन, सिनेमन एल्डिहाइड। सिनेमन यानी दालचीनी, जो आजकल काढ़े में बहुत सारा डालते हैं हम लोग, ऐसा लकड़ी डंडी आती है ना, ऐसी एकदम वो ब्राउन कलर की ऐसी वुड टाइप रहता है, तो वो सिनेमन फ्लेवर के लिए सिनेमन एल्डिहाइड। कैम्फर तो आप सभी को पता है, तो कैम्फर इज ए नेचुरल प्रोडक्ट एज वेल एज आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। तो नेचुरल कैम्फर इज मोर बेनिफिशियल देन आर्टिफिशियल कैम्फर, सिंथेटिक जिसको हम बोलते हैं। तो सिंथेटिक कैम्फर एक कंपाउंड है जो केमिकल है, उससे हम कैम्फर बनाते हैं, और एक नेचुरल कैम्फर भी आता है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। बेसिकली हमें यूज करना चाहिए प्लांट एक्सट्रैक्टेड कैम्फर, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है, तो हम क्या यूज करते हैं फिर? सिंथेटिक कैम्फर। और एक ये दो चीजें हैं, अल्डिहाइड कीटोन्स और कहाँ मिलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ये प्रोजेस्टिरॉन और टेस्टोस्टिरॉन है। प्रोजेस्टिरॉन इज मेल सेक्स हार्मोन्स एंड टेस्टोस्टिरॉन इज फीमेल सेक्स हार्मोन्स, दे हैव कार्बोनिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। तो वहां भी ये कार्बोनिल ग्रुप होते हैं अपने ये सेक्स हार्मोन्स में। तो दीज आर द कंपाउंड्स विच हैव अल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड दिस इज वॉट वी सी देयर डिफरेंट अप्लीकेशंस। और यूजेज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो वो तो आपने देखा है, आपके नोट्स में है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, उसमें एक्सप्लेन करने जैसा बहुत कुछ नहीं है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। फॉर्मल्डिहाइड एज ए प्रिजर्वेटिव मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि 4% एक्वस सॉल्यूशन इज फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेलिन बनाते हैं, है ना, वाटर में डिजोल्व करके, और वो फॉर्मेलिन फिर आपको लैब में सैंपल्स के फॉर्म, जो लैब में एनाटॉमिकल सैंपल्स देखते हैं हम लोग, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल सैंपल्स जो है वो फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का एक और एप्लीकेशन है, तो यहां लिख ही लेता हूं ना जब मैं बात कर रहा हूं, तो फॉर्मल्डिहाइड शॉर्ट में लिखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फॉर्मेलिन एज ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव। एंड डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। तो ये बेटा प्रिजर्वेटिव फॉर्मेलिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखना है, हो गया। अब फॉर्मल्डिहाइड और एक यूज होता है सिल्वरिंग ऑफ मिरर, सिल्वरिंग ऑफ मिरर। मिरर के पीछे कोटिंग होती है एक ऑरेंज कलर की, ब्राउन कलर की, उसमें फॉर्मल्डिहाइड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, तो वो सिल्वरिंग ऑफ मिरर में भी काम आता है। एसीटल्डिहाइड तो हमको पता है, एसीटल्डिहाइड बहुत सारे
केमिकल्स के प्रिपरेशन के काम में आता है, एसीटल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म बनाना है तो उसमें काम आता है, डीडीटी बनाना है उसके काम में आता है, एसिटिक एसिड बनाने के काम आता है, एसीटल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। तो ये एसीटल्डिहाइड का यूज हो गया। देन एसीटोन इज अ कमर्शियल सॉल्वेंट, है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है कमर्शियल सॉल्वेंट एसीटोन का। एसीटोन इज यूज्ड एज ए कमर्शियल सॉल्वेंट। कहाँ कहाँ यूज होता है? पेंट्स में, पेंट्स रिमूवर में, नेल पेंट रिमूवर होता है आपका गर्ल्स, तो नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। ईथर और एसीटोन का मिक्सचर होता है वो रिमूवर। लेकर्स बनते हैं और कोटिंग मटेरियल है, जो आप जो देखते हैं ना कार वगैरह पे जो कोटिंग होती है ऑटोमोबाइल पे, तो वो लेकरिंग होता है, जिसको हम लोग टेफलॉन कोटिंग कहते हैं ना, तो वो लेकर्स बनाने के काम आता है, पेंट्स बनाने के काम में आता है, और कोटिंग मटेरियल एसीटोन हो गया। नेक्स्ट है बेंजाल्डिहाइड इज यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड इन डा इंडस्ट्रीज। डिटेल्स आप लोग और पढ़ लेना बाद में। इन परफ्यूम्स एंड डाई इंडस्ट्री, कलर है ना, डाई करने कलर इंडस्ट्री। सो दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो दैट यू कैन गो थ्रू, एंड दीज आर अनदर एप्लीकेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंप्लीट द पोर्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Now from my side, I have completed, and now it's your turn to complete your notes and prepare for the exam. तो मैंने पहले वाले एग्जाम के पेपर देख लिया है, उसका रिजल्ट मैं जल्दी दे दूंगा आपको, और अब एल्डिहाइड कीटोन की तैयारी करेंगे आप। हाँ, सो प्रिपेयर दिस एंड आई डिस्कनेक्ट दिस मीटिंग एंड दिस मिनट राइट नाउ, और आपको एक सेकेंड लिंक जो मिलेगी वो लिंक पे आप फिर से